उनका मंगता उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता उनका मंगता उनका मंगता जो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता मैं तो उनका मंगता जो मंगता मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता और बोल दीजिए सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने नौजवान बैठे हैं आपके हवाले से है ये ईमान के आएंगे लहद में मेरी और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह अपने हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह है ये ईमान के आएंगे लहद में अपने मंगतों अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते उनका मंगता मैं तो उनका मंगता मैं तो उनका मंगता और मोहब्बत से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उनका मंगता और उलमा इकराम के हवाले से बात करता हूं तो आती है महकते मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते उनका मंगता मैं तो उनका मंगता हूँ जो मंगता पेश कर रहा हूं समा फरमाले और ये सच्ची बात है अगर हम इतने गुनाह करते हैं लेकिन उसके बाद भी सरकार का करम हमारे गुनाहों को छिपाए हुए है सच्ची बात वरना अगर हमारे गुनाहों को जाहिर कर दिया जाए हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं हम मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं लेकिन सरकार का करम हमको जिंदा रखे हुए है सुने अब एक शेर सुन लीजिए शेर सुन ले और अगर अच्छा लगे दिल चाहे तो सुभान अल्लाह
भाग जाकर सुनना नहीं है, समझा? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा था आप लोगों से कि आप सामने नहीं बैठ रहे हैं तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन आप कोई आदमी दिल कलेजा निकाल करके यहाँ रख रहा है, मोहब्बत से पढ़ रहा है और मेहनत कर रहा है, लेकिन आप लोगों को एहसास नहीं है, समझ रहे हैं आप? ये आप लोगों की कमियां हैं, बच्चों की कमी नहीं है। कुर्सी पहले से आगे की भरी होती, बच्चे बैठते नहीं, और जलसा हमेशा बड़े लोगों के लिए होता है। मैंने बताया बच्चे मदरसे स्कूल में सीखते हैं, आप कहीं नहीं जाते, ना मदरसे जाते ना स्कूल जाते। मेरी कोई घाटा नहीं, मैं एक कलाम पढ़ के बैठ जाऊंगा चला जाऊंगा यहाँ से, कोई मतलब नहीं है भाई। मुझे सिर्फ आने के लिए कहा गया था, मैं आ गया, लेकिन पढ़ते रहोगे दो घंटे तक, ये नहीं कहा गया। मेरी मर्जी है, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलना, लेकिन ये बच्चे जो माहौल खराब कर रहे हैं इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। सुनिए जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका एक मतलब दो शेर सुन ले, फिर उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। लेकिन कोई भाई जाइएगा मत, बड़ा डर लग रहा है आप लोगों से, कहीं आप मैं हटूंगा फिर भाग गए आप सब लोग। एक मुकर्रर बैठे हैं और आले रसूल आपके गांव में आए हुए हैं, आप उनकी तकरीर सुनने के लिए लोग सैकड़ों मील दूर का सफर करते हैं, और वो आज खुद आपके गांव में आए हुए हैं जी। तो उनकी तकरीर सैयद मुकीमुर रहमान साहब कबला की तकरीर आप सुन के जाइएगा। मैं कुछ शेर पढ़ दे रहा हूँ और मोहब्बतों के साथ समाप्त फरमा लीजिए। अपने अम्मी अब्बू से मोहब्बत करते हैं तो बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार मुस्कुरा जाओ, बोल दो सुभान अल्लाह। कुछ चच्चा ताया तो मेरे नाराज हो गए कि यार ये मौलाना बड़ा टेढ़ा टेढ़ा बोल रहे हैं। ये मैं सही कह रहा हूँ भाई, मेरा दिल दुख रहा है, सच्ची बात है। मेरी जगह आप बोलते तो ये पढ़ते भी नहीं, आप कलाम भी नहीं पढ़ते। सुनिए झूम कर गई है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।